एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 11 के विषय अर्थशास्त्र का गृह कार्य, जो कि दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य के अंतर्गत हमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे, हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, समस्त भूमंडलीय विरासत तथा सभी संसाधनों को समग्र रूप से पर्यावरण कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 तत्व बताइए। यहाँ 3 तत्व लिखेंगे, पशु, पक्षी, पौधे। थर्ड क्वेश्चन है, पर्यावरण के किन्हीं 3 अजैविक तत्वों के नाम बताइए। आंसर लिखेंगे, 3 अजैविक तत्व हैं, हवा, पानी, भूमि। फोर्थ क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे, वायु में हानिकारक या अवांछित पदार्थों के मिलने से वायु को संघटन प्रभावित हो जाता है, जिससे वायु प्रदूषण कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में वाहन अधिक होने से वायु प्रदूषण अधिक होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास की कोई 2 आवश्यकताएं बताइए। आंसर लिखेंगे, पहली आवश्यकता, धारणीय विकास की अवधारणा में मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के सार्थक सीमित करना होगा। सेकेंड लिखेंगे, प्रौद्योगिक प्रगति आगत निपुण हो, ना कि आगत उपभोगी। ठीक है, तो ये था कक्षा 11 के विषय अर्थशास्त्र का कंप्लीट गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।